अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना असलम। आज आप लोगों के साथ नई रेसिपी हाजिर है। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। ये है बीफ, मैंने आधा किलो के करीब ले लिया है। ये है दो टमाटर बड़े साइज के, मैंने चॉप कर लिए। ये प्याज है दो साइज की थी, मैंने चॉप कर लिए। ये है जायफल, जावित्री, तेज पत्ता, इसको ब्लेंडर करेंगे। ये है साबुत गरम मसाला, इसको ब्लेंडर कर लेंगे। ये है ब्लैक जीरा, काला जीरा आधा टी स्पून ये ले लेंगे। ये है पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून है। ये है लाल मिर्ची 1.5 टीस्पून है। अब हम बिस्मिल्लाह रखवाना है, हम गोश्त डालते हैं कुकर में। ये टमाटर ऐड कर देंगे, ये प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रखवाना है, पानी हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि टमाटरों का पानी प्याज का निकलेगा तो उसमें ये गल जाएगा। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल देंगे। ये आलू गोश्त माशाल्लाह बहुत मजे का बनता है और बहुत अच्छा बनता है, और कुकर में जल्दी से बन जाएगा क्योंकि 20 मिनट में गोश्त भी रेडी हो जाएगा, गल भी जाएगा। और ये है लाल मिर्ची 1.5 टीस्पून है। ये है हल्दी 1 टीस्पून। अब हम इसको ना, ये है 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप लोगों को पसंद है। मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसको कवर करती हूँ। देखें ये बंद हो गया है। अब इसको हम गो, अब ये हम 20 मिनट के लिए रखेंगे। 20 मिनट में फिर गो। अच्छा, ये गरम मसाला है और ये जायफल, जावित्री, तेज पत्ता, हम इसको पीस लेंगे। ये है ब्लैक जीरा 1/2 टीस्पून, इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने कुकर खोल लिया है। ये मैंने 20 20 पर इसको चढ़ाया है। माशाल्लाह गोश्त अच्छे से गल गया है और अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगती है आपको वीडियो मेरी। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1 प्याली के करीब ऑयल। ये ऑयल डाल के अब इसकी भुनाई करेंगे। ये है साबुत धनिया 1 टीस्पून, पिसावा ये डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर बहुत प्यारा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। ये अभी टमाटर इसमें साबुत साबुत है, प्याज भी थोड़ी, इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। आलू मैंने कट करके रख ली है, अब ये भुनाई हो जाए तो फिर आलू ऐड कर देंगे इसमें हम गो। ये देखें माशाल्लाह इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है, अभी भुनाई हो गई है, ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। ये 2 गिलास जितना पानी हमने इसमें डाल दिया है। ये जो हमने गरम मसाला ग्राइंडर किया था, अब हम इस स्टेट पे आके अब गरम मसाले ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसको आलू हम गलने रख देंगे, अच्छे से गल जाएंगे ये। इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, आलू अच्छे से गल जाएं। लेन हम थोड़ी कम रखेंगे। गो, माशाल्लाह आलू अच्छे से गल गए। माशाल्लाह आलू गल गए, अब हमारा ये सालन तयार हो गया आलू गोश्त का। अब हम इसकी प्लेन बंद करते हैं ताकि ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अब हम इसको डिशॉल्व करते हैं। गो, ये देखिए माशाल्लाह हमारे गोश्त आलू रेडी हो गए। ये मैंने इसके साथ बॉयल बनाए
और खाने के साथ अगर कुछ मीठा हो जाए तो खाना बहुत मजे का आता है। तो मैंने आज जलेबियाँ बनाई थी, ये जलेबियाँ रखी हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगा। कल एक नई रेसिपी में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।